व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं बेड के ऊपर से, कंबल के अंदर घुसे हुए हैं। तो आज है बहुत ठंड, तो आज हम लोगों का मन किया है गाजर का हलवा खाने का। तो आज गाजर भी घर पे मंगाते हैं और फिर उसके बाद मैं और बिट्टू मिलके गाजर का हलवा बनाएंगे। तो थोड़ी देर बेड पे ही रहते हैं, फिर उसके बाद मार्केट जाके गाजर लेके आ जाएंगे। थोड़ा पुई पुई के साथ बैठते हैं, फिर जाके मार्केट से गाजर लाके फिर हलवा बनाना शुरू करेंगे। तो गाइज, मैंने गाजर को कर दिया पूरा कद्दूकस, और इसमें देने के लिए मैंने कुछ लिया है ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश और बादाम। तो चलिए अब तैयारी करते हैं बनाने का। तो दोस्तों, हमारा कढ़ाई हो गया है गर्म, अब इसमें डालेंगे घी। घी भी डालेंगे एकदम, इसमें कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना ही अच्छा। लगभग इसमें 3 चम्मच घी दिया है। तो हमारा घी भी हो गया गरम, अब इसमें डालते हैं हमारा गाजर। अब इसको चलाते हैं। हमारा गाजर से घी में पूरा लथपथ हो जाए तब तक इसको मिलाते हैं। तो गाइस, साथ देने के लिए टुन्नू भी आ चुका है और बिट्टू तो पहले से ही है। बिट्टू सबसे ज्यादा मेहनत किया है गाजर छिलने में और इसको धोने और काटने में भी, और उसके बाद टुन्नू अभी ऑफिस से आ चुका है, तो ये भी साथ देने के लिए चला है। तीनों मिलके आज का गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, कहीं नीचे लग ना जाए, और इसको धीमे आंच में पकने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा, और इसको बीच बीच में चलाते भी रहे। तो गाइज, यहाँ पे दोनों बैठ के बाबू का मालिश भी हो रहा है और सुमन बैठ के क्या बादाम खा रही है, और हमारा सबसे बिजी आदमी जो होते घर का, जो की हमेशा काम करते रहती है, तो यहाँ काम कर रही है। और अभी काम कर रही हूँ, मैं भी सफाई ये खाती खा रही है। कोई का मुच्छी किन्ने है, मुच्छी किधर है, मुच्छी बाबा जोर से बोल दो, जोर लगा के। क्या कर रहा है इस हालत में, क्या कर रहा है ये, सब कोई देख लिया, ये देख लिया। तो दोस्तों देखिए, भूनते भूनते कितना कम हो गया है, पिछले 15 मिनट से मैं इसे भून ही रहा हूँ। अब इसमें डालते हैं इलायची का पाउडर। तो मुझे इलायची का पाउडर मिला नहीं, तो मैंने गोटा इलायची को ही कुछ की इसमें डाल रहा हूँ, और साथ में इसका छिलका भी डाल रहा हूँ, क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास के लोग और ऊपर से बिहारी, तो हमें लगता है कि इसके छिलका में भी स्वाद होता है। तो इसको डाल के अब इसको मिलाते हैं इसमें, और आप चाहे तो बाद में इसका छिलका निकाल भी सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसका पूरा जो मिलता है बाजार में वही डालते हैं। अब इसमें धीरे धीरे इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालूंगा मैं काजू, उसके बाद किशमिश, उसके बाद ये बादाम, और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है आखिर में इसका गार्निश करने के लिए। तो चलिए इसको अच्छे से फिर मिलाते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें डालते हैं दूध। तो दूध मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है, तो मैं इसमें लगभग 750 ml का ही यूज करूंगा। तो दोस्तों, इसमें उबाल आ चुका है, धीरे धीरे इसको चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। इसको अभी चलाते रहना, इसी में ही हमारा गाजर भी सीज जाए। इति कुमारी आई है किचन में रोटी बनाने के लिए, तो ये बाबू के लिए रोटी बना रही है, क्योंकि उसको पहले खिलाना पड़ेगा, और हमारा इधर हलवा भी बन रहा है, तो इसको बनने में भी टाइम है। तो पहले बाबू के लिए 2 रोटी बना के निकाल देगी, फिर उसके बाद बाकी रोटी बनाएगी। तो आ गई है, बना रही है अपना मस्त रोटी। अच्छा, हमें तो लगा कि ठंडा रोटी बनता है। नहीं, गरम गरम खिलाएंगे तो बच्चे को। अच्छा, ठंडा थोड़ी खिलाया जाता है। चलो 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 चलो। तो दोस्तों, इसका दूध लगभग सूख चुका है, और इसको इसी तरह से चलाते चलाते पकाना है, तब ये जाके नरम होगा,
और इति कुमारी भी इधर में है। अब बाबू के लिए रोटी बन चुका है, अब दूध को गर्म कर रही है। लगभग ये हलवा बनाते बनाते 45 मिनट हो चुका है। अभी भी थोड़ा सा दूध इसमें बचा हुआ है, इसको सुखाना है अच्छी तरह से, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर हमारा हलवा हो जाएगा। और इति कुमारी का इधर दूध उबल के निकलने वाला है, अभी ये बना रही है बाबू के लिए दूध और रोटी, और यहाँ पे ये पीसने वाली है दूध को और रोटी को, फिर उसके बाद बाबू को देगी खाने के लिए। कब है? कितने तारीख को? 24 जनवरी। और हम लोग सब टीचर लोग उसमें गाना गा रहे हैं। कौन सा? आ लेके चलो तुझे एक ऐसे देश में। कौन सा देश में? लिरिक्स है। अच्छा, किसको लेके जाना है? किसको लेके जाना है? ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर है। अच्छा 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 है गाना, बहुत चलो। बहुत मजा आया प्रैक्टिस करते वक्त, सबको हंस रहे हैं, कोई आगे किसी का गला बैठा हुआ है सर्दी से और गाना गा रहे हैं। तुम भी गई? हाँ। तो दोस्तों हम लोगों का हलवा का दूध लगभग सूख चुका है, इसको इसी तरह से चलाते चलाते और भी इसको सुखा के फिर इसमें आखिरी में हम लोग डालेंगे चीनी। इसको थोड़ी देर और चलाते हैं, उसके बाद इसको चीनी डाल के फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से। तो दोस्तों अब इसमें डालते हैं चीनी, तो चीनी भी एकदम भरपूर डालना है क्योंकि मीठा बना रहे हैं, तो मीठा तो मीठा ही होना चाहिए, तो इसीलिए चीनी भी अच्छे से डालते हैं। तो मैंने इसमें कम से कम 6-7 चम्मच चीनी दिया है, आप लोग अपना अंदाज से डाल सकते हैं। और इसको अब अच्छे से फेंटेंगे, मिलाएंगे इस सारा का सारा दूध, इसको भूजते भूजते इसको चलाते चलाते सुखाना है इसमें, तब जाके हमारा हलवा बनके तैयार होगा। और दोस्तों देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, देख सकते हैं आप कि हमारा कच्चे का हलवा लगभग रेडी है, दूध पूरा सूख चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा और सुखाएंगे हम और उसके बाद इसको गार्निश करेंगे। तो दोस्तों हमारा गाजर का हलवा बनके हो गया है तैयार, अब इसको प्लेट में निकालेंगे और अच्छे से गार्निश करेंगे। तो दोस्तों गाजर का हलवा हमारा बन चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काजू और किशमिश और थोड़ा सा बादाम से इसका गार्निश किया है। और आप लोग भी अपने घर में ट्राई करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बनाइए खाइए। तो दोस्तों हमारा गाजर का हलवा बनके हो गया तैयार, अब मैं इसको निकाल के देता हूँ माँ के लिए, थोड़ा पहले माँ को चढ़ाएंगे फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे खाएंगे कि कैसा बना है। तो ये है माँ के लिए, तो अब माँ के लिए निकाल चुका हूँ, तो अब माँ को देता हूँ ये खाके, देखिए कैसे बन रही है। तो दोस्तों देखिए ये खाना खा रहा है, कैसे खाना खा रहा है देखिए, इसको नाचना है अभी। अब लोग भी खाना खाते समय टीकी टाकी सब वाला खाना चाहिए, लज्जू के जैसा जो खाना को। तो दोस्तों सबसे पहले खाना खाने के लिए बैठे पापा, तो पापा यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के। तो पापा कैसा बना है? बढ़िया बना है ना, मीठा है, लेकिन आप ज्यादा मत खाइए, आपका शुगर भी है हिसाब से ही अच्छा है ना। चलिए खाइए बढ़िया से, आइए। और इधर में बैठ चुका है बंकू भी, लेकिन ये इसका खाना, दोस्तों इसका खाने का प्लेट देखो, इतना भयंकर खाना यही खा सकता है, भात रोटी सब्जी भुजिया छोले सब कुछ एक बार में डाल के ये कैसे खा लेता है। और वो देखो उधर बैठ के वो पबजी खेल रहा है, और ये भी आ चुका है दादाजी के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं बैठा हूँ और बिट्टू बैठा खाना खाने के लिए, और हम लोगों का खाने में है फिलहाल रोटी आलू पनीर का सब्जी और हमारा बनाया हुआ गाजर का हलवा। तो बिट्टू भी इधर बैठ गया मेरे बगल में, ये भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा, तो खा के देखते हैं हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है। तो बिट्टू कैसा लगा मेरा बनाया हुआ? एकदम अच्छा। इति कुमारी कैसा लगा? एकदम स्वादिष्ट, मुझे गाजर का हलवा उतना पसंद नहीं है लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगा। इसीलिए तो मैं बनाया, तुम लोगों को बनाने नहीं दिया, पता कोनो गत का तो बनेगा नहीं, इसीलिए खुद ही बनाया। तो दोस्तों हम लोगों का खाना हो चुका है खत्म और बिट्टू भी खाना खा लिया है, सब कोई खाना खा के अपने अपने रूम में जा रहे सोने के लिए, और मैं भी अपना बेड लगाता हूँ और सोता हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने गाजर का हलवा बनाया जो कि बहुत ही अच्छा बना, सबको इतने तारीफ किया, आप लोग भी अपने घर में ट्राई करिए, बनाइए, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में खाने में। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ खत्म। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।